आप लोग बैठक किए? आज सर्वजन समाज सेवा केंद्र सह अनाथ आश्रम पटना के द्वारा, जिसका डायरेक्टर पवन कुमार भास्कर जी ने ये वैकल्पिक शिक्षा केंद्र, जो गरीब बच्चे को शिक्षा से दूर, उसको शाम को पढ़ने के लिए समय नहीं दिया जाता है क्योंकि गरीबी की हालत में ना ट्यूशन पढ़ने जाता है, उस बच्चे खेत में समय बिता देते हैं, और उस जगह पे वैकल्पिक शिक्षा केंद्र शाम को 5 बजे से 7 बजे 2 घंटा का पढ़ने के लिए मिला है, जिसका डायरेक्टर पवन कुमार भास्कर जी हैं। और यहाँ गरीब महिला अधिकार समिति नवादा का डायरेक्टर अशोक कुमार जी हैं, जो गरीब महिला अधिकार समिति से। अब साथ हम लोग यहाँ 30-40 बच्चे का बहाल हो चुका है, जिसमें टोटल यहाँ नवादा जिला में 1878 विद्यालय खोलने का अनुमति मिला है, जो अभी संचालित 30 से 40 विद्यालय चल रहा है, जिसका प्रमाणित सभी शिक्षिका मौजूद हैं, जिसका आज ट्रेनिंग होना था, किसी अभिभूत रुक गया, इसलिए हम इन लोग को आज ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा करके इन लोग को भेज रहे हैं, ताकि इन लोग को कोई तरह की दिक्कत ना हो, कोई शिकवा शिकायत ना हो। और इन लोग को आश्वासन मिला है कि 3 महीना पे वेतन आप लोग को मिला है, अभी तक जो दो महीना तक पढ़ा चुकी है उसको अभी तक वेतन नहीं मिला। इन लोग को डायरेक्ट पवन भास्कर जी के तरफ से आश्वासन मिला है कि 3 महीना पे हम वेतन आप लोग को छोड़ेंगे, तो अभी तक तो वेतन नहीं मिला है। अब 3 महीना इन लोग को पूरा जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसके बाद इन लोग सड़क पर उतर जाएंगे, यदि वेतन नहीं मिला तब। इसके साथ हम बाय चांस अगर वेतन नहीं मिलती है, क्या कहना चाहते हैं? हम इस संस्था में काम करते हैं, अभी तो हम डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर हैं। मेरा नाम कौशिक कुमारी, हम नवादा से बिलोंग करते हैं, न्यू एरिया नवादा से, और गरीब महिला अधिकार समिति का हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। अभी फिलहाल टीचर लोग का बहाली का काम कर रहे हैं, टीचर लोग का सिलेक्ट कर रहे हैं, हर मोहल्ला में हर वार्ड में एक टीचर का सिलेक्ट करना है, सेंटर पे गरीब बच्चों को पढ़ाने का आदेश है, और हमारी संस्था जो काम मिला वो हम कर रहे हैं, या गरीब महिला अधिकार समिति को मिला है ये काम, हमारे सर्वजन समाज उत्थान अनाथ आश्रम केंद्र पवन कुमार भास्कर जी के तरफ से ये प्रोजेक्ट मिला है कि पूरे बिहार में ये कार्यक्रम को चलाना है। तो हम लोग नवादा में भी चला रहे हैं, फिलहाल अभी 40 कैंडिडेट को हम लोग सिलेक्ट करके उन लोग का ट्रेनिंग करवाए हैं आज 22/5/2024 को, और आज उन लोग का ट्रेनिंग करवा के, और इन लोग को आज आश्वासन भी दिलाना का काम था कि इन लोगों को कन्फ्यूजन में है कि हम लोग 3 महीने से काम कर रहे हैं, हम लोग अभी तक सैलरी क्यों नहीं चालू हुआ, तो आज आश्वासन मिल गया कि जिन जिन मेंबर लोग का 90 दिन पूर गया है तो उनका 3 महीने के बाद अगर आपको मतलब इन लोगों का वेतन नहीं मिलेगा तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग आगे चल के हम लोग कार्रवाई करेंगे, आगे ऊपर से रोड पर उतर जाएंगे, हम लोग इस पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। कितने दिनों से साथ हम काम कर रहे हैं? हम संस्था में कर रहे हैं 4-5 साल से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौशिक कुमारी हुआ।